जिस कमरे में अगर 1000 लोग भी हैं, 1000 लोगों को यही लगेगा कि शाहरुख खान उनसे मुखातिब है। ऐसे जो दिग्गज लोग होते हैं वो करिश्माई लोग होते हैं। एक सीन था जिसके अंदर मुझे धक्का देना बहुत जोर से, भयानक हो गया था। फिर एक जगह, और ये स्टार करिश्मा है कि वो एक जगह पर एम्बुलेंस रुकवाई शाहरुख ने। माधुरी दीक्षित के साथ स्क्रीन शेयर करने का एक्सपीरियंस कैसा था? एलिमेंट, वो जो कहते हैं ना कि वो किसी के चेहरे को देखकर आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जैसे आशीष विद्यार्थी मुझे वहीं मिले, मुझे याद है कि उन्होंने हमेशा से मेरी अंग्रेजी उन्होंने सुधारी कई बार, लेकिन वो मेरा मजाक नहीं उड़ाते। बेबसी तो आज भी होती है, कई बार होती है। आपको आप कॉर्नर्ड हो जाते हैं, आप वो दुख भरा जीवन और कष्टों की नदियों में तैर के आया। मेरे साथ वही कुछ हुआ है जो लाखों करोड़ों लोगों के साथ होता है। अगर आपको ईश्वर ने थोड़ी काबिलियत दी है कि आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, तो उसको आप हथियार ना बनाएं सामने वाले अपने सह कलाकार को नीचा दिखाने के लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं और बताओ। मेरा नाम है अविनाश और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें स्क्रीन पर हम जब भी देखते हैं चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। प्रोफेशनली उनको बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन मैं पर्सनल नोट पे थोड़ा शुरू करना चाहूँगा। ये इकलौती ऐसी पर्सनैलिटी हैं, इकलौते ऐसे कलाकार हैं जो जब भी आपसे मिलेंगे हमेशा कम से कम 2 से 3 बार पूछते हैं कैसे हो। मेरे साथ हैं गजराज राव सर। स्वागत है गजराज जी। और बताइए क्या चल रहा है? आप बताओ क्या चल रहा है। मैदान से ही शुरू करते हैं जी। रिलीज हो गई है, प्यार मिल रहा है, फिल्म को भी, किरदार को भी, डायरेक्टर को भी, हर एस्पेक्ट में फिल्म को पसंद किया जा रहा जी। है। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला अभी तक? सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये मिला कि स्क्रीनिंग के दौरान मेरे एक दोस्त आई थी अपने 7-8 साल के बच्चे के साथ, और उन्होंने बोला कि गजराज ये बहुत दिनों बाद एक फैमिली फिल्म है जिसे बच्चों के साथ देखा जा सकता है, जो कि अभी आज कल के माहौल में ऐसी फिल्में कम बनती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा रहते हैं, कुछ हिस्से रहते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा अटपटा होता है। तो वो मुझे ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मैंने ये अमित जो हमारे डायरेक्टर हैं उनसे भी शेयर की कि कितना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है। और ये फिर उसके बाद कल दिल्ली से कुछ मित्रों ने देखी तो उन्होंने भी यही बताया। और उसके अलावा एक परसों की स्क्रीनिंग में एक 80 बरस की महिला थी, किसी परिचित की फैमिली मेंबर होंगी। और क्या होता है कि स्क्रीनिंग जब होती है तो उसमें बायस्ड होते हैं लोग, आपके परिचित लोग होते हैं, लेकिन इस फिल्म की खासियत यह है कि थोड़ी देर बाद वो लोग भूल गए कि वो फिल्म देख रहे हैं। उनको वाकई में लगा कि एक फुटबॉल की कहानी चल रही है, और सेकेंड हाफ में तो फुटबॉल स्टेडियम का ही माहौल बन गया था। लोग सीटियाँ बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, और वो जो बुज़ुर्ग महिला थी उन्होंने उनकी आंखें डबडबाई हुई थी और वो आई और उन्होंने हाथ पकड़े, बोले कि गजराज मतलब इतनी सुंदर फिल्म और इतने अच्छे से कहानी कही हुई है और ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। तो मुझे वो ये दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि एक तो ये फैमिली फिल्म है और ये एक हर उम्र के लोगों को पसंद आ रही है। ये तो बिल्कुल मैं भी इससे सहमत हूँ। मैं भी जब फिल्म देख रहा था तो एक जुड़ाव होता है, वो जुड़ गए कि एक तरफ जहाँ हर गोल हो रहा है हम लोग यस बोल रहे हैं, जब टीम हार रही है तो वो दुख हो रहा है, कैरेक्टर खुश तो हम भी खुश, कैरेक्टर उदास तो हम भी उदास। अमित ने मुझे ये कहानी सुनाई, बताया इसके बारे में, तो मुझे पहले तो अचरज हुआ कि यार ऐसा कहाँ होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये बिलीवेबल नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये SA रहीम जो हैं वो एक्चुअल में एक कोच थे और जिन्होंने हिंदुस्तानी फुटबॉल के लिए बहुत काम किया है और हिंदुस्तानी फुटबॉल उनकी डायरेक्शन में बहुत आगे बढ़ा। और फिर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। और फिर ये जो मेरा कैरेक्टर है ये बेसिकली बहुत सारे जो अलग अलग किरदार थे जो रहीम साहब को जिन्होंने अपोज किया वो उन किरदारों का मिश्रण है, मिला जुला। तो कोई एक इंडिविजुअल ऐसे न्यूज़पेपर एडिटर या ऐसे नहीं थे। okay. तो ये एक कह सकते हैं कि रॉय चौधरी उस समय का जो सिस्टम था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लेकिन ऐसा ही होता है कि जो वो अपने तौर पर वो बहुत ही ज़िद्दी आदमी है कि मेरा जो बंगाल का फुटबॉल है उसके अंदर बाहर का कोई नहीं आना चाहिए, जो सोशियोलॉजी में होता है इनर सर्कल और आउटर सर्कल का एक झगड़ा रहता है, तो ये वो झगड़ा है। और
नकारात्मक सोच वाला कैरेक्टर प्ले करना आसान होता है? हम हर किसी के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, हम लोग नकारात्मक सोचते हैं। हम अभी भी मैं ये सोच सकता हूँ कि इंटरव्यू कैसा होगा, लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये जो हमारी बातचीत है लोगों को रोमांचित करेगी, लोगों को इस बातचीत में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। तो नकारात्मकता तो हर जगह रहती ही रहती है मुझे ऐसा लगता है, और ये वैसे वाला नकारात्मक नहीं जैसे हिंदी सिनेमा के विलेन होते हैं, टिपिकल विलेन, चीखने चिल्लाने वाले, और वैसा नहीं है। ये रियल लाइफ में जैसे विलेन होते हैं, जो अपने तौर पे वो सही कर रहा है, वो अपने तौर पर अपने तई उसका बिलीफ है इस चीज़ के अंदर कि बाहर से एक आदमी आके, रहीम बाहर से आके क्यों बंगाल के फुटबॉल को इस तरह से डिसीजन मेकिंग में कैसे हिस्सेदारी दे सकते हैं। तो एक तो स्क्रिप्ट के तौर पे बहुत अच्छे से इसको लिखा गया, और जो मैंने कुछ और इंटरव्यूज़ में बोला है कि अमित शर्मा जो है वो अच्छे कप्तान हैं, और उसके अच्छे कप्तान होने के पीछे वजह है कि उनके जो सिपे सलार हैं, उनके जो सेनापति हैं, उनकी जो पलटन है वो बहुत जागरूक है, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो उनकी पलटन ने बहुत अच्छे से इसमें रिसर्च की हुई थी, वो तमाम लोग थे जो एक सज्जन थे जो खाली मेरे जो विग प्रोस्थेटिक उस पर ध्यान देते थे, एक सज्जन जो हैं वो मुझे हर, क्योंकि अलग अलग कुछ कुछ महीनों बाद हम इसकी शूटिंग कर पा रहे थे, तो वो डायलेक्ट कैसा था, मूड कैसा था, उसको फॉलो करना, रिसर्च, पूरी डिटेलिंग, बैकड्रॉप कैसा होगा, तो मुझे लगता है ये सबको वो इसका श्रेय जाता है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, फिल्मों में आने से पहले कैसा क्या बचपन जीता, और रेलवे कॉलोनीज वाला जो माहौल था वो कैसा था, फिल्मों की तरफ रुझान कैसे हुआ? तो दिल्ली में रेलवे कॉलोनी में पला बड़ा, तो ये जो इसमें मैं जैसे मैदान में भी बंगला भाषा में थोड़ा सा मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बंगाली नहीं हूँ लेकिन एक बंगला पात्र में कर पा रहा हूँ, तो उसके पीछे उसका योगदान वो रेलवे कॉलोनी को है कि वहाँ पर जो बंगाली भाषी लोगों के बीच में मैं पला बड़ा, तो वहाँ पर रेलवे कॉलोनी में अलग अलग भाषाओं के लोग थे, अलग अलग प्रांतों के लोग थे, पहाड़ से लोग थे, हिमाचल से थे, बंगाल से थे, पंजाब से थे, तो वो था। और उसका अब फ़ायदा मिल रहा है सिनेमा में जब हम मुझे रेफरेंस चाहिए होते हैं, तो वो बड़े भाव वाली ज़िंदगी थी, कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो और बड़े निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पला बड़ा हूँ, तो माता पिता की इच्छा होती जैसे उस ज़माने में होती थी कि कोई इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, है ना, तो और रेलवे में है तो कोई रेलवे में अधिकारी बन जाए, लेकिन उनको उस तक कैसे पहुँचना है ये उनको ना तो उनको आइडिया था ना मुझे था कि उसके पीछे कितना परिश्रम लगता है, कितना खर्चा आता है और कितना उसके अंदर गुणवान होना होता है एक इंसान को। तो इन इसी बेतरतीब ज़िंदगी के बीच में कहीं मुझे थिएटर देखने का मौका मिला, दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस, वहाँ पर एक प्रोसीनियम थिएटर हो रहा था श्रीराम सेंटर में, तो वहाँ पर एक नाटक देखा मैंने, संध्या छाया। अच्छा। और वो उसने मुझे चमत्कृत कर दिया कि दो लोग, मतलब मुझे याद है कि वो दो लोग नाटक का हिस्सा थे और वो लंबी लंबी लाइनें बोल रहे थे, तो मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि कहाँ से पढ़ रहे हैं ये लोग, तो बड़ी जिज्ञासा हुई और मुझे बड़ा उद्वेलित किया उसने, और कहीं उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये। और फिर मैंने एमेचर थिएटर ग्रुप होते हैं वहाँ पर अलग अलग, तो वो ढूंढे और उनमें बड़ी मान मनोबल करके किसी एक जगह पर मिल गया मौका, और फिर 4-6 महीने थोड़ा भटकने के बाद एक्ट वन थिएटर ग्रुप का बनना हुआ, उसका जुड़े उसमें लोग, मनोज वाजपेयी और शिष्य विद्यार्थी और तमाम लोग, शेफाली भूषण, एनके शर्मा उसके हमारे लीडर थे, हमारे कोच थे कह सकते हैं कि एनके शर्मा हमारे ऐसे रहीम थे, हाँ तो वो उन्होंने वो एक बड़ी और उसकी उसका उसकी जो संरचना हुई ग्रुप की एक्ट वन की, उसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है कि वो ऐसे ही अलग अलग
थिएटर ग्रुप में लोग काम करने वाले एमेचर थिएटर ग्रुप में बैठे हुए थे और किसी ने बोला चलो फुटबॉल खेलते हैं। तो ऐसे ही चार लोग जुड़ गए, फुटबॉल खेलने लगे। वहाँ पर एनएसजी के पीछे एक लॉन होता था बहुत बड़ा, तो उस फुटबॉल के थ्रू दोस्तियाँ हुई और उससे हुआ कि चलो नाटक करते हैं। एक नाटक किया गया और फिर वो एक नाटक से जुड़ते गए लोग, और फिर वो चार पाँच साल का एक समा बंधा। और लेकिन रंगमंच में एक बेसिक, आप हिंदी रंगमंच में दिक्कत यह है कि आप उससे घर नहीं चला सकते हैं, सहमत, खर्चा आप कहाँ से लेकर आएंगे। तो फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि क्या क्या किया जाए। उस दौरान टेलर शॉप में काम किया, अखबारों में काम किया, फ्रीलांस लिखा आपने, फ्रीलांस, हाँ। तो वो जो रॉय चौधरी का जो पर्सनालिटी में बहुत सारे उस ज़माने में मैं जिन लोगों से मिला, प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर, एस पी सिंह, राघव बहल, उनका कहीं ना कहीं पुट मुझे लगता है कि मैं रख पाया उस उसमें। और वो करते हुए फिर एक एड फिल्म मेकर थे उस वक्त दिल्ली में, नए नए वो अपना शुरू कर रहे थे, प्रदीप सरकार जी, हमारे बीच में नहीं है अब वो, तो उनसे मैं जुड़ा। और वहाँ मेरी मुलाकात अमित शर्मा से हुई, वो भी वहाँ पर थे और हम लोग साथ में कुछ साल हमने काम किया दादा के साथ, प्रदीप दा के साथ। और फिर प्रदीप दा जब मुंबई आ गए तो हम लोग उनके साथ साथ मुंबई आ गए। और फिर कुछ बरसों बाद अपने एक विज्ञापन बनाने की एक प्रोडक्शन हाउस मैंने शुरू की अपने पार्टनर सुब्रत के साथ, रेड पिक्चर्स, कोड रेड फिल्म्स, कोड रेड, तो वो हुआ। और अमित और उनके जो बचपन के दोस्त, उनकी संगिनी हेमंत भंडारी आलिया, इन्होंने ये क्रोम पिक्चर्स बनाया जिसके दफ्तर में अभी हम बैठे हैं। और ये सारे जो पुरस्कार हैं ये क्रोम पिक्चर्स के हैं। और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा एडवर्टाइजिंग का, फिल्म मेकिंग का। और उसके बीच में मैं कोशिश करता था कि कुछ अच्छे काम मिल जाए जिससे मैं अपने अभिनय की जो मेरी इच्छा है वो उस जुड़े रहने की वो पूरी हो। तो उसमें ब्लैक फ्राइडे, ब्लैकमेल, तलवार, इस तरह की फिल्में हुई। और 2017 में अमित शर्मा ने मुझे बधाई हो में मुझे पार्ट दिया। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव आ गया, पलट दिया, कह सकते हैं कि अमित ने मेरी ज़िंदगी को पलट दिया। और उसके बाद अब ये जर्नी आगे आगे बढ़ती जा रही है। हाँ, मैदान में भी उनका ही था कि वो उनका अमित का ये कहना था कि आप जितेंद्र कौशिक जैसा ही पात्र करना चाहेंगे, वो भी एक तरीका है क्योंकि उसको लोग पसंद कर रहे हैं, है ना, उससे आपकी गुडविल बनी है तो आसान रास्ता है। लेकिन मुझे लगता है कि गजराज जी आपको अपने आप को चैलेंज करना चाहिए, अपने आप को थोड़े मुश्किल ऐसे पार्ट करने चाहिए जो आपने नहीं किए हैं, कठिन हो थोड़े से। तो उसका नतीजा है रॉय चौधरी, और मुझे लगता है कि वो निर्णय बहुत अच्छा था, जिस तरह से लोग सराहा रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं। मुंबई का पहला दिन कैसा था? मुंबई को लेके दो चीज़ें कही जाती हैं, पहली चीज़ यहाँ पे आर्थिक तंगी बहुत रहती है क्योंकि महंगा शहर है, और दूसरा यहाँ पे आके खुद को सेटल करना क्योंकि कहते हैं ना मुंबई अपनाती नहीं है। आपके साथ कैसा था पहला दिन या शुरुआती एक्सपीरियंस मुंबई के साथ? शुरुआत में जब ये एड फिल्म की दुनिया में आने से पहले जब मैं एक आध दफ़ा आया थिएटर के दौरान, तो वो उस वक्त एक दूरदर्शन का कुछ एक कार्यक्रम बन रहा था, कुछ सीरीज बन रही थी, और उसकी जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे दिल्ली में मेरा नाटक देखा था, और उन्होंने, और वो नाटक मैंने अडेप्ट भी किया था अपने एक सह कलाकार के साथ, सह लेखक के साथ, उनका नाम विजय है। तो विजय और हम दोनों को उन्होंने आमंत्रित किया कि आप बड़ा अच्छा लिखते हैं, आप मुंबई आइए और हमारे लिए प्रोजेक्ट लिखिए, पायलट। और बड़े उत्साह के हमें लगा रहे हैं, हमारी तो ज़िंदगी पलट जाएगी इससे। और हम उनके भरोसे पर आ गए मुंबई, और यहाँ पर तकरीबन 15-20 दिन हम लोग मित्रों के यहाँ रहे इधर उधर। और फिर जब वो कॉन्सेप्ट तैयार करके लेकर गए तो उसमें एक दिक्कत ये थी कि वो जो प्रोड्यूसर थी उनके पति विदेशी थे और उनको हिंदी नहीं आती थी, और मैं हिंदी में उनको नरेट कर रहा था, और वो उन्होंने वो चीज़ उनको समझ ही नहीं आई। तो मैंने बड़ा अचरज किया मैं। इनफैक्ट उस समय मुझे याद है बहुत अच्छे से, ये जो
हेरा फेरी प्रियदर्शन साहब के साथ कौन से राइटर थे जो अब नहीं रहे, नीरज वोरा। हाँ, तो नीरज वोरा जी भी वहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करने के लिए आए हुए थे। दो तीन लोग आए हुए थे, बड़ा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था। तो उन्होंने जब मना किया तो मैंने प्रोड्यूसर से मैं मिला। लगभग कौन से साल की बात है ये? 90 की बात होगी। 90 की, ठीक है, 1990 की बात होगी। और मैंने वो जो प्रोड्यूसर थी उनको बोला कि मैडम ये सर बोल रहे हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, पर उनको तो हिंदी नहीं आती है। तो बोले, उन्होंने बोले नहीं, वो साउंड से समझते हैं, उनको समझ आ जाता है। मुझे बड़ा अचरज आश्चर्य हुआ कि अच्छा ऐसा। तो लेकिन क्यों, बड़े छोटी उम्र थी और तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे होगा। और उस वक़्त तक क्या हुआ था, महीना भर हो चुका था लगभग, और हमारी जितनी जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और तो फिर मैंने वो प्रोड्यूसर से बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है हमें खाने के लिए, तो वो उन्होंने इनकार कर दी। बोले कि, मैंने बोला आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप हमें आते ही कुछ एडवांस देंगे और ये सब। तो बोले नहीं, वो तो जब तक काम नहीं होगा। तो ये बम्बई ने पहला सबक ये सिखाया कि आप खाली कागजी बातों पर भरोसा ना करें, है ना, क्योंकि अलग मायने हैं। जैसे दिल्ली बड़ा दिलदार है इस मामले में, दिल्ली में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, दिल्ली में कभी खाली पेट नहीं रहा। दिल्ली में दोस्त होते थे, थोड़े कम परिचित दोस्त होते थे, खाली परिचित होते थे, लेकिन वो आपका ख्याल रखते थे। बम्बई जब तक आप काम नहीं करते हैं तब आपका ख्याल नहीं। बम्बई बहुत कमाल शहर है, उस वक्त बम्बई था, मुंबई हो गया है। तो मुंबई में जब आप पारंगत हो जाते हैं, आप काम प्रूफ कर देते हैं, तो फिर अन्नदाता है ये शहर, आपको रोजी रोटी देता है। लेकिन उस दिन मुझे याद है कि मैं टाउन में कहीं था और वहाँ से पैदल मुझे अंधेरी आना हुआ, और टाउन से अंधेरी, पैसे नहीं थे। और फिर मुझे शायद उस दिन या हाँ उसी दिन मेरे एक मित्र थे जो बैंक ऑफ अमेरिका में काम करते थे। अच्छा, ये मुझे मालूम था, थिएटर के परिचित, रंगमंच में साथ में कभी काम किया था, और मुझे मालूम था कि ये राजीव नाम है उनका, तो वो बैंक ऑफ अमेरिका में काम करते हैं। और मैं चला गया उनके बैंक ऑफ अमेरिका, नज़र आया मुझे, अरे यहाँ तो ये राजीव है यहाँ पे। और मैं इतना टूट चुका था और इतना बदहवास था और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा जीवन में, पैसे नहीं। मेरा ये था कि अब दिल्ली वापस जाना है, हो गया, अब यहाँ इस शहर में नहीं हो सकता है। तो राजीव को मैंने, और वो उनका बड़प्पन है राजीव का, बड़े दिलदार आदमी हैं वो, और उन्होंने मेरी क्या, उनको शायद क्या समझ में आया होगा, उन्होंने मुझे शायद 500 रुपये 100-100 के 5 नोट वो दिए। 90 के वक्त में, उस वक्त बड़ी रकम है वो, बड़ी रकम है। और उससे एक दो रोज़ का खाना चला और फिर हम दो मित्र वापस टिकट कटवा के दिल्ली पहुँचे। तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा कि एक तो आप ज़बानी खर्च पे बिलीव ना करें, ज़बानी बातों पे बिलीव ना करें, जब तक कि लिखा पढ़ी ना हो और आपके पास मेहनताना मिले ना आपको जो वादा किया गया। तो इस तरह के अनुभव होते हैं। और फिर उसके बाद जब दोबारा आना हुआ तो जब मैं प्रदीप सरकार जी के साथ एडवर्टाइजिंग में काम करना शुरू कर दिया था मैंने, ऐड फिल्मों में, तब आना शुरू हुआ। और ये शहर आपको अपना लेता है अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हों और सही आपका जो सर्कल हो और आपका काम देखते हुए जज नहीं करता है। जैसे दिल्ली का मैंने आपको बताया कि यार दोस्त बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन दिल्ली आपको जज करता है काम के लिहाज से। एडवर्टाइजिंग में जैसे मैं हिंदी भाषी हूँ तो मुझे ऐसा कई बार लगा कि मेरी बोलने में, मेरे पहनावे पे लोगों को थोड़ा अटपटा लगता है। मुंबई में ऐसा नहीं था। मुंबई में दिल्ली में ये होता था कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ, तो उसको लेकर थोड़ा सा एक मतलब ये जजमेंटल हो जाते हैं लोग की, हाँ जजमेंटल वहाँ पे। अगर आप जमुना पार रहते हैं, लक्ष्मी नगर नदी के उस पार रहते हैं, तो उसका एक अलग है कि जमुना पार रहता है। जब तक आप दक्षिण दिल्ली में, ग्रेटर कैलाश में, अब शायद चीज़ें बदली हैं, लेकिन 25-30 साल पहले बड़ा होता। मुंबई में आप मीरा रोड में रहते हो, वसई में रहते हो, भयंदर में रहते हो, आप 1 BHK में रहते हो, आप
विला में रहते विला में रहते हो कोई मायने नहीं रखता है। ये आपको आपके पहनावे की वजह से, आपके रहन सहन की वजह से, आप किस एरिया में रहते हो, कौन सी आपके पास बाइक है, कौन सा स्कूटर है, कौन सी कार है, आप उससे किसी बहुत मतलब रेयर होता है कि आपको ऐसे सुनने में आएगा या आप महसूस करेंगे कि लोग जज करते हैं। लोग आपके जो मटेरियल को मटेरियलिस्टिक दुनिया को आपको जज नहीं करते हैं, आपके क्रिएटिविटी पे आपको काम देते हैं, आप कैसा काम कर पाते हैं। तो ये इस शहर की खासियत है। ये आप तो एक ही बार जो अभी बोला ना कि एक बार मुंबई आए, बात नहीं बनी, चले गए वापस, मेरे को तो तीन बार मुंबई ने निकाला है, पठारा नहीं। हाँ तो ये वही है कि ये मुंबई में लहरों के थपेड़े आते हैं। हाँ। और अगर आप में है मजबूती है और वो थपेड़े खा के आप गिर जाते हो किनारे पे और फिर वापस आओ, तो आपकी आपका कितना स्थिरता है आपकी सोच के अंदर, उस पर है कि शहर आपको फिर अपनाता है। और जब अपनाता है तो आपको सब कुछ देता है, मिलता है, सब कुछ देता है। तो मैं मुझे लगता है कि मुंबई जैसा काम करने वालों के लिए मुंबई जैसा शहर नहीं है, ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एक आपके बारे में जब पढ़ रहा था, ढूंढ रहा था चीज़ें, एक बड़ा मज़ेदार चीज़ मिली कि संतोष आनंद करके थे, है ना, उन्होंने आपके पिता को कहा था कि मुंबई आओ, स्टार बना दूंगा। यस यस यस, वो क्या वाकया था? अरे ये तो मतलब बिल्कुल वैसा है कि मेरे पिताजी जो अब 80 के खांचे में हैं, 80 बरस के खांचे में, तो वो ये बड़ा एकदम उस मज़े से बताते हैं ये बातें। और ये बातें मैं बचपन से, जब से होश संभाला है लड़कपन से, तब से सुनता आ रहा हूँ। बाऊजी हमारे उसमें थे, रेलवेज में काम करते थे, और वो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में थे। तो पहले वो रिजर्वेशन क्लर्क थे जो खिड़की के पीछे टिकट काट देते हैं। तो अब तो खैर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं सब। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो रिजर्वेशन में होता था उसकी बड़ी पूछ होती थी। अरे कतारें लगती थी, कतारें लगती थी, तो उसके उसके अंदर जान पहचान हो तो उससे बड़े काम बनते थे लोगों के। तो उस तरह से ये देखा है मैंने, अनुभव किया है कि पापा को, पिताजी को बड़ा सम्मान मिलता था। तो वो बताते हैं कि सन ये शायद 75 की बात होगी या 76 की, तो संतोष आनंद जी टिकट करवाने आए थे। और उन्होंने मेरे पिताजी बहुत ही छरहरे नौजवान थे, मेहनत कश आदमी थे, है ना, जीवन में उन्होंने बड़े कष्ट झेल के आगे बढ़े थे वो। और तो उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें बहुत कमाल की हैं, और मुंबई आओ, मैं मनोज कुमार जी से मिलवाता हूँ, एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, रोटी कपड़ा मकान शायद हो रहा था, या इसके बाद वाली कोई पिक्चर हो रही थी। और उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया, पता बता दिया, बोला कि आप आओ। और अगेन निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो वो जो कि नौकरी चली जाएगी, और उस जमाने में एंटरटेनमेंट और सिनेमा को लेकर इतनी जानकारी नहीं थी कि कैसे हो सकता है। लोग मतलब ये एक तरह का था कि आप सहारा का रेगिस्तान पार करने जा रहे हैं, बचोगे कि नहीं बचोगे, क्या होगा। तो जो आसपास दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने सलाह दी कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे फिल्मी लोगों के चक्कर में मत पड़ो। तो वो अभी कभी कभी उन या तो उनको टीस भी होती कई बार कि जब मैंने काम करना शुरू किया तो बोले अरे मैं भी कर लेता तो मैं भी होता अभी वहाँ पर, तो करवाओ, मुझे भी करवाओ कुछ रोल वोल दे। अभी पिछले हफ्ते भी बोलते कि अरे देखो कुछ रोल दिलवाओ मुझे, मैं भी कर सकता हूँ, मैं ये तो मैं भी उनको लगता है कि बड़ा आसान है। तो एक टीस है, और हमारे घर में एक बड़ा हमें कभी कभार जो होता है महीने दो महीने में कभी बात हो या कभी मिलना होता है साल दो साल के अंदर, तो ये बड़ी एक मजाकिया एक कॉन्वर्सेशन इस बारे में होती ही होती है कि मैं भी यहाँ पर पहुँचा होता हूँ। आपने बताया कि बचपन में भी ये किस्सा सुना करते थे, तो जब आपने सोचा कि एक्टर बनना है, इस लाइन में जाना है, पापा से डिस्कशन हुआ, उनका क्या फीडबैक था? नहीं, वो तो बड़े मायूस हो गए थे। उनको जब जो डॉक्टर इंजीनियर और ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो उनको फिर उन्होंने फिर सलाह दी कि मैं रेलवे पुलिस में ज्वाइन कर लूँ। कोई एक परिचित थे, बोले कि वहाँ पे कुछ नौकरियाँ खुल रही हैं और तुम्हें मिल जाएगी, ट्रेनिंग होगी और बढ़िया से आराम से कर लोगे। उनको एक पिता जो सोचते हैं कि चाहता है बच्चा रहे, और वो जमाना था जब सरकारी नौकरी होना जीवन
के बचे रहने का एक आसरा माना जाता था कि सरकारी नौकरी मतलब एक बंधी बनाई तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद रिटायर्ड होने के बाद पेंशन आएगी, आपको मेडिकल सुविधा मिलेगी। रेलवे तो बहुत कुछ आपको गोद ले लेता है, ट्रेवल में भी बहुत फायदा, रेलवे आपको गोद ले लेता है, रेलवे कर्मचारी मतलब हम मतलब आपको अस्पताल की घर मिलेगा, आपको साल में 2 या 3 बार आपको ट्रेन का टिकट मिलेगा, पास मिलेगा, तो ये सारी थे। और मैं भी थोड़ा सा एक आया था कि हाँ ये बड़ा अच्छा है ये आपको लग रहा है, लेकिन एक कहीं एक जिद थी। और एक चीज़ ने जो मुझे रोका वो था कि मैंने अपने पिताजी को बहुत मेहनत करते हुए देखा था, कोल्हू के बैल की तरह खटते हुए देखा था कि सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक, या कई बार वो परिवार को के जो खर्चों को संभालने के लिए डबल ड्यूटी करते थे, तो सुबह 8 से लेकर रात को 8 तक 10 बजे तक, और ख़ास तौर पे गर्मियों के सीज़न में तो वो मतलब 14-14 घंटे 16-16 घंटे उनका काम होता था। तो वो थक के लस्तम पस्त घर आते थे, उनके जीवन में और कुछ नहीं था, उनके जीवन में था नौकरी, बच्चे, अपने रिश्तेदार, और साल में 1 बार या 2 बार गाँव जाना, उसके अलावा उन्होंने किसी तरह और 1-2 महीने में कभी सिनेमा देख लिया, उसके अलावा हमारे जीवन में कोई मनोरंजन नहीं था, क्योंकि उनके जीवन में नहीं था। तो वो मुझे कहीं मेरे दिमाग में था कि मुझे ये जीवन ऐसा नहीं जीना है, मतलब ये एक बंद जाना एक सिस्टम के अंदर, और वो और जो उनके अधिकारी, जो एक सिस्टम जब सरकारी तंत्र होता है जिसके अंदर डर होते हैं कई तरह के, और कई तरह से मान मनोवल होती है, बड़े अधिकारियों को लेकर आपको जो लगातार डटे रहना होता है, सम्मान देना होता है, वो मुझे थोड़ा सा मैं वो ऑब्जर्व करता था, और मुझे लगता था कि मुझे ऐसा मैं नहीं करना चाहूँगा। तो मैंने वो ऑफ़र मैंने उनको पापा को समझाया कि मैं कुछ 1-8 साल और करके देख लेता हूँ, मैं नहीं होगा तो फिर करूँगा मैं। इजीली मान गए थे, डांट फांट पड़ी आपको? मेरे पिताजी का था बड़ा कमाल का था कि वो स्ट्रिक्ट रहे हमेशा से, लेकिन क्योंकि गांव देहात में उनके पिताजी का देहांत तब हो गया था जब वो 12 बरस के थे, और वो इस वजह से कहीं उन दो चीज़ें होती हैं ऐसे में, या तो आदमी अग्रेसिव हो जाता है जब बड़ा होता है, या लेकिन उनके मन में एक बहुत ही मुलायम दिल के हुए वो, कि वो अपने बच्चों को कभी उन्होंने अग्रेसिव नहीं हुए, कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, बहुत प्यार करते थे वो, बहुत स्पेस देना, मतलब एक कह सकते कि जो हम लोग पढ़े लिखे और बड़े इंटेलेक्चुअल सर्कल में जब घूमते हैं और बातें होती हैं ना कि उसको स्पेस दिया और उसने उसको समझा, तो वो बिना पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा और बहुत आम सी ज़िंदगी जीने वाले वो स्पेस देते थे लोगों को, बच्चों को स्पेस देते थे, जीवन दुरूह नहीं करते थे, ऐसा नहीं करते थे कि कॉर्नर हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है इस कर लो कुछ देख लो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नाटक देखने आए 1-2 बार, और कुछ कई बार होता है कि जब आपके परिचित रिश्तेदार देखते हैं ना, तो हमारे एक अंकल थे गांव की तरफ के, वो कनाडा में प्रोफेसर थे, अच्छा बड़े स्कॉलर इंसान थे, तो वो एक बार आए कनाडा से और उन्होंने एक किसी स्कूल में हमारा मंचन हो रहा था हमारे नाटक का, और वो देखने आया और उन्होंने पिताजी को बोला कि ये तो बहुत तारीफ हुनरमंद है ये, और इसमें बहुत अगर ये सही चल पड़ा तो इसमें आप चिंता मत करो, इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ़ायदा तो नहीं होगा लेकिन इसमें इज्जत बहुत मिलेगी और खर्चा ये अपना जीवन चला लेगा, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा उन्होंने बोला। और क्योंकि वो विदेश में थे और वो वहाँ की दुनिया देख रहे थे, और जहाँ पे जोर सिर्फ रटने पे और पढ़ाई करने के अलावा आप किस तरह की आपकी समझ है और आप जीवन में क्या करने चाहते हैं उस पर भी ध्यान दिया जाता है, तो पिताजी को शायद उस चीज़ का भी असर पड़ा। और फिर उसके बाद जो कुछ टेलीविज़न का काम हुआ और अखबार में जो मैंने क्योंकि मुझे ये था कि मैं उनसे कभी पैसे नहीं लूँगा, और कोशिश करता था कि घर खर्च में मैं अपना योगदान दूँ, तो टेलर वगैरह के जो शॉप में काम किया वो भी इसीलिए किया कि ताकि एक तो उनका उनके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो, और बड़ा और वो बड़ी जिम्मेदारी लेते थे, वो सिर्फ अपने घर की नहीं
जो एक्सटेंडेड फैमिली जो थी उन सब की भी जिम्मेदारी लेते थे, कोई बीमार है, किसी घर में शादी है, कहीं मौत हो गई है, तो वो जो सामूहिक भोजन होता है वो बड़ा तत्पर रहते थे, बहुत तत्पर रहते थे। तो उसका वो कभी उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं रही, उन्होंने कभी पैसे बचाए नहीं, हमेशा हमेशा। और कभी इस तरह से नहीं कि हम लोग ऊटी मनाली जा रहे हैं, वो तो हमने कभी जीवन में देखा ही नहीं। हमारा समर वेकेशन गांव राजस्थान में गर्मी से तपता हुआ गांव होता था एक महीने के लिए। अखबार में काम करने से क्या हुआ, थोड़ा मेहनताना मिला, आर्टिकल पर आर्टिकल 200-300 रुपए मिल गए, 350 मिल गए, तो वो जो हुआ वो एक जम गया मामला कि मतलब मैं महीने का जो एक खर्च है कि 2500-3000-4000 रुपए मैं कमा ले रहा हूँ, उसमें कुछ मैं घर में दे देता हूँ, अपना खर्चा संभाल लेता हूँ। तो उससे उनको थोड़ा लगा कि हाँ ये नाकारा नहीं है, ये फिसड्डी नहीं है, ये कुछ कर लेगा। और अखबार में वो जब जनसत्ता में या नवभारत टाइम्स में जब वो बाईलाइन के साथ उन्होंने देखना शुरू किया ना, तो उससे भी क्योंकि परिचित होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उधर यार आपका लड़का तो अखबार में लिख रहा है, नाम देखा उसका, पढ़ा। और जैसे एक बार मैंने इनका इंटरव्यू लिया, यश चोपड़ा साहब का, अनुपम खेर साहब का इंटरव्यू लिया, तो ऐसी तमाम चीज़ें जब उन्होंने देखी था कि ठीक है, मतलब ये हवा में नहीं है, अंधेरी सुरंग में नहीं जा रहा हमारा बच्चा। और फिर जब एडवर्टाइजिंग का काम शुरू हुआ, उसमें पैसे ठीक ठाक आना शुरू हुए, तब उनको तसल्ली हो गई। और बैंडेट क्वीन और वो तमाम चीज़ें हुई, तो फिर उनको लगा कि हाँ ये अब ये सरकारी नौकरी नहीं करेगा, उन्होंने मान लिया। और मेरी माँ जो थी वो अगेन वो बड़ी आशावादी थी, और वो बोलती थी कि मेरे बेटा एक मैंने मुझे मालूम है तेरे पास एक दिन बहुत बड़ी गाड़ी होगी। और मुझे लगता था कैसी, मतलब अभी कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, है छोटी मोटी गाड़ी है। तो माँ जो थी वो जब इनफैक्ट जब पहली गाड़ी ली मुंबई में, तो मुझे माँ की बात याद आई कि माँ कैसे बोलती थी कि मेरे मुझे मालूम है गज्जू के पास गाड़ी आएगी। मैं अपने को नहीं बिलीव करता था, मेरे पिताजी मजाक उड़ाते थे गाड़ी है, क्योंकि हमारे पास बजाज चेतक था, स्कूटर था। तो ये जीवन है, तो ये माँ बाप का आशीर्वाद है उनका, क्योंकि भले ही उन्होंने मुझे लंदन में ना पढ़ाया हो, या मुझे राडा में एक्टिंग करने ना भेजा हो, न्यूयॉर्क में मैंने एक्टिंग ना सीखी हो, या एलए में मैंने फिल्म मेकिंग का कोर्स नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने मुझे जो कुछ मूल्य दिए और परवरिश दी, और वो मेरे साथ बरकरार है। वो जो उन्होंने ऐसा नहीं कि बैठ के सिखाया उनको, जैसे मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने उनके उनसे सीखी, वो लड़ते तो थे, हर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, हर परिवार में होता है, निम्न मध्यवर्गीय बहुत सारी कमियां होती हैं और आर्थिक संकट आते हैं, है ना, तो ऐसा होता था। लेकिन और जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता था आसपास के घरों से, दिल्ली में की बात है, अच्छा, रेलवे कॉलोनी में जो पहला रेलवे कॉलोनी थी, जहां पर बहुत छोटे छोटे कमरे होते थे, आउट हाउस, जिसे बंगले, बड़े सरकारी अधिकारियों के बंगले होते थे, उन बंगलों के पीछे अंग्रेजों के जमाने की कोठियां थी, वो पहले घुड़साल होती थी, फिर एक जमाने के बाद वो जो बंगले में काम करने वाले कर्मचारियों को दे दी जाती थी, खानसामा, सफाई कर्मचारी, और फिर कुछ कमरे बच जाते थे तो उसको जो लिस्ट में नाम है जिसका पहला उसको मिल जाता था। तो ऐसे मैं बचपन के 10-15 साल इस तरह के एक मोहल्ले में गुजारे हैं, जहाँ पे सार्वजनिक शौचालय होता था चार मोहल्लों के बीच में, बहुत ही भयानक सार्वजनिक शौचालय। तो खैर वो अलग बात है। तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता था, आसपास 2-3 परिवार थे जहाँ पर पुरुष जो थे वो बड़े क्रूर थे, है ना, बिना शराब पिए, अच्छा, हाँ, हाथ उठा देना, मारना और वो सब, उन सब के बीच में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गाये बगाये आ जाती थीं। उन सब के बीच में मेरे पिताजी ने कभी इस तरह की कोई भी हरकत नहीं की। उनके बीच में जो संवाद होता था, जो बातचीत होती थी, जो तनाव होता था, वो बड़े मर्यादा के साथ होता था। होता ना बचपन में आप जब छोटे होते हैं, 5-7 साल से देखना शुरू करते हैं, जब आपकी थोड़ी सी अबोध मन पे समझ आना शुरू होती है कि क्या हो रहा है, कुछ झगड़ा हुआ किसी बात, कभी खाने को लेकर हो गया, कभी इस बात को लेकर हो गया कि शादी में
ये देना है या ये नहीं देना है या वो तमाम चीज़, या कभी ऐसा हुआ कि पिताजी की तरफ के मेहमान आ गए रेलवे कॉलोनी में, रेलवे स्टेशन के नज़दीक घर था, तो रात आठ महीने में मतलब दो चार दिन तो ऐसा होता ही था कि, और वो ये रुका है, ये मोबाइल और फोन का जमाना नहीं, नहीं था, लोग आते सीधे थे, आते थे लोग आपके आपके जीवन में गिफ्ट आते थे, और वो रात को 12 बजे 1 बजे तो, और माँ उनके लिए खाना बना रही हैं, और दिल्ली किस लिए आना है, दिल्ली इलाज के लिए आना है, एम्स, दिल्ली ट्रांजिट कैंप है, दिल्ली से पहाड़ पे जाएंगे, दिल्ली से वैष्णो देवी जाना है, दिल्ली से कहीं और जाना है, तो दिल्ली अड्डा होता ही, दिल्ली अड्डा होता था, तो वो हमारा घर, और घर रेलवे स्टेशन से 4 कदम की दूरी पे, तो वो, लेकिन मेहमानों के सामने झगड़ा नहीं होता था, मेहमानों के जाने के बाद होता था कि रोको उनको, ऐसे कैसे चले आते हैं, लेकिन कभी भी वो गंभीर नहीं हुआ। और मुझे ये बात ने जब मेरा परिवार बना, जब मैं बड़ा हुआ मेरा परिवार बना, तो मुझे ये चीज़ कहीं मुझे लगता है कि बैक ऑफ द माइंड रही होगी, है ना, कि जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर आप आपके मतभेद जो हैं वो संवाद से सुलझाएं। और वही जैसे मेरे पिताजी ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, एक बार उठाया था कोई, मैंने मजाक किया था बचपन में, तो मैं अपने बच्चों के साथ मैंने वैसा ही जीवन जिया कि मैंने उनसे संवाद किया, और मुझे लगता है कि वो अच्छा हुआ। कई बार होता कि बच्चे बच्चे जो होते हैं पतंग की तरह होते हैं, वो इधर उधर जाते हैं, है ना, लेकिन आप डोरी खींचो प्यार से समझाओ तो समझ जाते हैं। संवाद मैंने ये कह सकते हैं कि अपने पिताजी और माँ से सीखा मैंने। अभी तक जितना बाबूजी के बारे में आपसे सुना है, एक इमेज जो बन गई है उनकी, उसके बाद मुझे ये जानने की बड़ी कौतूहल हो रहा है कि थप्पड़ किस वजह से पड़ गया। वो हुआ यूँ कि गर्मियों के दिन थे, और मेरी माँ जो हैं उनके नाभि सरक जाती थी, नाभि सरक जाती थी, तो उसके लिए एक दाई माँ आती थी, बहुत बुज़ुर्ग थी वो, और वो मालिश करती थी सरसों के तेल से, और वो एक दो घंटे बड़ी पीड़ा होती थी उससे माँ को। तो राजस्थान की तरफ जो विधवा होती हैं वो एक ज़माने में, अब तो कम हो गया है, एक ज़माने में हल्के नीले रंग की साड़ियाँ पहनती थी। अच्छा, ये एक परिपाटी थी, मैंने बचपन से यही देखा। तो जो जो मैं बचपन में देखता था बुज़ुर्ग महिलाएं जो जिनके पति नहीं रहे थे, वो नीले रंग की, हल्के नीले रंग की साड़ी पहनेंगी, वो सारे कपड़े उनके नीले होते थे, ब्लाउज नीला और वो सब। तो जो मेरी दादी जो हैं वो नीले कपड़े पहनती थी, है ना, और साल में एक आध बार वो आती थी, या तो कोई रिश्तेदार कोई आ रहा है, जैसे आ रहा है तो उनके साथ वो आ गई, इस तरह का होता था। और ये जो दाई माँ थी, और उनका जो शारीरिक संरचना थी थोड़ी रिष्ट पुष्ट थी। अच्छा, तो वो दोनों मतलब दूर से देखो तो वो दादी ही लगती थी। अगर तो वो एक दिन आई थी, माँ की तबीयत ख़राब थी, और पिताजी दफ्तर से आए दोपहर को, डबल ड्यूटी कर रहे थे वो। अच्छा, गर्मियों के दिन थे, और खाना खाने के लिए क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे घर था तो घर आ गए। और मैंने पता नहीं मुझे क्या दिमाग में आया, और मैंने बोला, वो बाहर मोहल्ले में खेल रहा था मैं, और वो मैं बोला, बाऊजी बासा आई हैं, बासा जो एक सम्मान सूचक शब्द होता है, तो मैंने बोला बासा आई हैं, दादी को हम बासा बोलते थे। तो वो बहुत ही, अरे कैसे, उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि किसके साथ आई हैं कैसे, क्योंकि वो आ जाती थी रिश्तेदारों के साथ। वो अंदर गए और उन्होंने साष्टांग दंडवत कर दिया उनको, दाई माँ को, और दाई माँ उछक के सरसों का जो कटोरी वटोरी थी वो बिखर गई। और फिर बाऊजी ने रियलाइज किया, ऐसा नहीं कि वो बुजुर्गों बुजुर्ग थी तो उनको सम्मान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बाऊजी, और मैंने ये देखा और मुझे बड़ा मजा आया। और वो आए और उन्होंने आव देखा ना दाग, और चाट करके एक जोर से चमाट मारा मुझे, और मैं 6-7 साल उम्र होगी शायद मुश्किल से, और मेरे गाल छप गया। हाँ, मुझे तो चौकन्ना मतलब एकदम भौचक रह गया, और रोया फूट फूट के, और माँ ने बड़ा डांटा और बात की, और फिर
कोमल हृदय थे, तो फिर उन्होंने फिर बड़ा पुचकारा, बड़ा लाड़ किया, और वो ये एक है। उसके बाद उन्होंने कभी भी, उससे पहले ना उसके बाद कभी उन्होंने मुझे किसी तरह का, जिसको बोलते हैं ना कि फिजिकल पनिशमेंट, वो छड़ी मारना या वैसा, कभी डांटते थे वो। उनकी अब जो जैसे अजय देवगन साहब कर रहे हैं ना फिल्म में, मैदान में, उनका बहुत प्रिसाइज, कम शब्दों में वो बहुत आपको पीड़ा पहुंचा सकते थे। दिल्ली में रहे, आर्थिक तंगी झेली, पापा से एक बार पिटाई भी पड़ी, मुंबई आए, मुंबई ने ठुकराया, वापस चले गए, फिर मुंबई आए, फिर आई बैंडिट क्वीन। जी, पहली फिल्म कैसी मिली और तब तक ये यकीन हो गया था कि हाँ करना ही है? हाँ देखो, अभिनय करना, ये मैं मान चुका था मैं कि अभिनय में ही जीवन गुजरेगा, क्योंकि उसमें बड़ा मुझे पहली बार जिस तरह के माहौल में मैं पला बड़ा था। एक बहुत बड़ी चीज़ शायद ये भी रही होगी रंगमंच और नाटक की दुनिया से, अभिनय की दुनिया से जुड़े रहने की, या उससे जो मैं एक मेरा एक अटूट मेरा जो संबंध बने, बंधन हो गया, जो मैंने अपने जीवन में बड़े विकार वाले दुनिया देखी, मैंने बड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखा कि साहब लोग, बंगले वाले लोग, मतलब इस तरह का जीवन होता था कि बंगले में जहाँ पे मैं बचपन गुजारा वहाँ पे पहली बार टीवी आया, राजेश खन्ना की फिल्में चलती थी, चित्रहार आता था, संडे को देखा जाता था। तो वो खानसामा जो था हमारे राजस्थान से थे, तो उन्होंने, उनको हमने बच्चों ने हुल्लड़ मचाया, उनके बच्चे और जो उनके भी बच्चे हम उम्र ही थे शायद, तो उन्होंने क्या किया, वो जो बंगला था, बंगले के पीछे एक अंग्रेजों के ज़माने के बंगले थे ये, सफ़ेद रंग के, बड़े जो ल्यूटियंस दिल्ली में होते हैं ना, हाँ, पिलर वाले, और उसमें हाँ, दालान, गलियारे, तो एक गलियारे के सामने वो जो जालीदार दरवाज़ा, एक दो जालीदार दरवाजे होते थे जिसके अंदर वो खोलते थे फिर मेन दरवाजा अपने आप बंद हो जाते हैं, तो वो जालीदार दरवाजे के अंदर हॉल बड़ा सा दिखता है, वहाँ पर टीवी नज़र आ रहा है। तो ये सुविधा कर दी उन्होंने कि हम वो जालीदार दरवाजे के बाहर बैठ जाएं दालान में, तो देख सकें, देख सकें। पहले दो चार बच्चे बैठते थे, फिर पूरे मोहल्ले के बच्चे आना शुरू हो गए, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो हुल्लड़ मचाएंगे, कोहनी मारेंगे। तो ऐसे 15-20 बच्चों का झुंड वहाँ बैठता था हर इतवार को, और वो बहुत बड़े डॉक्टर थे जिनका बंगला था, वो रेलवे में डॉक्टर, रेलवे अस्पताल में, उनकी बेटियाँ थी, शायद दो बेटियाँ थी, तो वो उन्होंने एतराज़ जताया कि बच्चे बहुत, अब देखा जाए तो शोर मच रहा है, तो उनकी, उनका जो फिल्म देख रही हैं उसके अंदर उनको वो होता है। तो फिर एक दिन, एक इतवार को हमें पाबंदी लग गई, हमें बोल दिया गया कि दरवाजे पे, जो चौकीदार था उसने बोला कि नहीं, एक छोटा दरवाज़ा था जो मोहल्ले में खुलता था, वो बंद हो गया उस दिन। अरे, और ख़ास तौर पर चित्रहार और इस तरह से, तो मुझे बड़ी चोट पहुँची उससे कि अरे ये जो ऐसी जो डिसबैलेंस, उसमें मैंने पला बड़ा कि वो जो बड़े ज़ोर से बताया जाता था कि ये आपके लिए जगह नहीं है, है ना, जो एपरथाइड कि ये आपके लिए नहीं है, यहाँ पे आप नहीं जाओगे, यहाँ पे इस बागीचे में आप नहीं जाओगे, यहाँ से आप नहीं झाँकोगे। अस्पताल जाते थे तो वहाँ पर भी बड़ा एकदम गलियारों में इधर उधर लोग फैले पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, तो वो जो डॉक्टर है उनका, जो जिनसे परिचय है उनका पहले इलाज होगा, वो सारी तमाम चीज़ें बचपन से देखी। तो और सुविधाओं का अभाव आपके मन में कटुता पैदा करता है या बिछोह पैदा करता है। आप उस, या तो आप क्रूर हो जाते हैं या आप उस दुनिया से दूर चले जाना चाहते हैं, आप उससे जुड़े नहीं रहना चाहते। जो सार्वजनिक शौचालय थिएटर में, मैं और यहाँ पर, ये अगेन आपके जो रिश्तेदार, ये जो परिचित हैं, तो आपका जो घर है बहुत छोटा, 100-150 स्क्वायर फीट का, जिसमें 5 परिवार के लोग रह रहे हैं, कोई सुविधाएं नहीं है, मनोरंजन नहीं है, उसके बीच में आप जब रंगमंच करना शुरू करते हैं और आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बड़े धनाढ्य परिवारों से हैं और जिनसे आप डरते हो कि ये आपका मजाक उड़ाएंगे, या ये आपके अभावों की वजह से या आपके जीवन के वजह से आपको नीचा देखेंगे, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो वो जो दक्षिण दिल्ली के तमाम लड़के लड़कियां थे, है ना, कुछ उसमें नौकरीशुदा थे, और वो कुछ महीनों में मैंने रियलाइज़ किया कि ये रंगमंच वाले तो ये भेदभाव करते ही नहीं है,
कि मैं कितने निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ या क्या मेरे मैंने कैसे कपड़े पहने हैं। परफ्यूम पहली बार मैंने उनकी दुनिया में जाना, मेरे को पता ही नहीं था कि परफ्यूम लगाना होता है, खुशबू लगानी होती है ना, ये आपके कपड़े जो हैं वो सालों पुराने हैं, दो दो साल तीन तीन साल से एक कमीज़ उसमें आप रफू करवाते थे, कमीज़ फट गई है तो मैंने ऐसी बड़ी कमीज़ें पहनी हैं जिसमें रफू के पैंट पहनी है जिसमें बहुत रफू हुए हैं, और फिर मेरे कपड़े मेरे भाई ने पहने हैं, मैं अपने पिताजी के कपड़े पहनने लग गया था एक टाइम पर जब उनके शर्त के बराबर हो गया, तो उनके जो पुराने कपड़े हैं वो मैं रफू करके पहन रहा हूँ, जूते उनके पहन रहा हूँ। तो ये सब के बीच में मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे रिश्तेदार जो परिचित थे वो तो जजमेंटल होते थे, ये जो मेरे रंगमंच के दोस्त, ये मैंने बात शायद पहली बार शेयर कर रहा हूँ इतने बरसों में, पता नहीं कैसे याद आ गई, कि इन लोगों ने मुझे कभी जज नहीं किया। ये जो मेरे रंगमंच में मेरे एक्ट वन ग्रुप में खास तौर पे लोग थे, उसमें आधे 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 ज़्यादा लोग मेरे जैसे थे, मध्यम वर्गीय परिवारों से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से, और बहुत ज़्यादा तादाद थी जो धनाढ्य थे, बहुत अमीर, जो पैसे वाले ऐसा नहीं कि वो टाटा अंबानी थे, बट हम लोग रोल्स रॉयस में आते थे ऐसे नहीं, लेकिन मेरे कंपैरिजन में मतलब मैं जहाँ पे एक 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 डेढ़ कमरे के सरकारी घर में रह रहा हूँ, उनके चार कमरों वाला घर DDA का फ्लैट है, है ना, दक्षिण दिल्ली में रह रहे हैं, GK में रह रहे हैं, या अच्छे सुविधाओं वाले घर, बाथरूम है घर में, सार्वजनिक शौचालय में नहीं जाना पड़ता, बाथरूम है घर में, इमेजिन कीजिए अविनाश। तो ये इन लोगों ने मुझे बहुत गले लगा लिया, मेरी भाषा पे मुझे जज नहीं किया, अदरवाइज तो मैं बचपन से लेके बड़ा ही हुआ था अपनी अंग्रेजी के तनाव को लेकर, कि अंग्रेजी की अंदर मेरी जो जानकारी की कमी है उसको लेकर, लेकिन इन लोगों ने वो नहीं किया। जैसे आशीष विद्यार्थी मुझे वहीं मिले, मुझे याद है कि उन्होंने हमेशा से ये किया कि जब मेरी अंग्रेजी उन्होंने सुधारी कई बार, लेकिन वो मेरा मजाक नहीं उड़ाते थे, कई बार होता है महीन फर्क होता है इस चीज़ में, क्या होता है कई बार, जैसे सिद्धार्थ बासु, उनसे भी मैं उन्हीं दौरान मिला, तो उनकी अनीता बासु उनकी पत्नी, ये बड़े अंग्रेजी वाले फराटेदार अंग्रेजी वाले लोग हैं, तो मैं उनके साथ काम कर रहा था किसी प्रोजेक्ट में, और मैंने कुछ एक स्पेलिंग क्विज का काम चल रहा था, हिंदी क्विज थी, उसके अंदर कहीं पे कुछ एक नाम लिखना था कुछ, उसमें मैंने बोला एच, तो उन्होंने बोला कि नहीं गजू, इट्स नॉट एच, इट्स एच, और वो ख़त्म हो गई बात एच। और लेकिन मेरे जो दूसरे मित्र थे मेरे आसपास के लोग, और वो मैंने उनको हमेशा खिल्ली उड़ाते देखा, अरे आता नहीं तेरे को, अंकल रिश्तेदार, अरे इसको आता नहीं है, इसको पता नहीं है, इसको ये, लेकिन जैसे आशीष का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने कई चीज़ों मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा बहुत ज़्यादा, भाषा को लेकर जो एक भय था वो कम हुआ, कि भाषा में बहुत पारंगत नहीं हूँ ठीक है, लेकिन ये भाषा मेरी दुश्मन नहीं है, अंग्रेजी मेरी दुश्मन नहीं है, ये अच्छी भाषा है बहुत, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें कही गई हैं, आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आशीष की वजह से कुछ हद तक पॉसिबल हो पाया, कि वो हमेशा तक अभी तक भी कभी भी अगर मुझे वो कुछ मैं गलत प्रोनाउंसिएशन करता हूँ तो उसको करेक्ट करके उस मोड़ से वो आगे बढ़ जाता है, ऐसा नहीं कि जो इट्स नॉट जैसे क्या बोलेंगे कई बार होते हैं ना कि वो जो साइलेंट वर्ड होते हैं कि आप साइकोलॉजी को पसाइकोलॉजी बोल दो, मैंने नहीं बोला ऐसा, लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ शब्द किया तो उसको बोलेगा कि गज्जू इट्स साइकोलॉजी और बता क्या हो रहा है, तो वो उस मोड़ से बढ़ जाता है। तो ये जो मेरे साथ मेरे थिएटर ग्रुप ने मुझे ये चीज़ दी कि जो मेरे अभावों के जीवन के साथ मुझे आलिंगन में लिया उन तमाम लड़के लड़कियों ने, वो शायद एक बहुत बड़ी वजह रही होगी कि मैं आजन अभिनय से रंगमंच से जुड़ गया, उस टापू से जुड़ गया कि इस टापू के लोग अच्छे हैं। तो मेरी अभी आपकी ना टीम से भी कुछ लोगों से बात हो रही थी जो आपके लंबे समय से जो आपके साथ है पिछले कुछ सालों से हैं, और बहुत मतलब मेरे को उन्होंने कुछ किस्से बताए आपके कोविड टाइम्स के, कि कैसे आपने उनकी मदद करी, कोई एक जन लंदन में फंस गया था उनको वापस बुलवा दिया, कैसे फिनेंशियल सपोर्ट किया, और
थोड़े से आपके स्ट्रगल की भी बात हो रही थी, तो मैंने पूछा मैंने कहा कभी रोते हुए देखा आपने उन्हें, कभी परेशान हो गए हो, टूट गए हो कि सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है चीज़ें करके? तो मुझे जवाब जो मिला वो ये मिला कि बहुत बार हुआ जब वो टूट गए, परेशान हुए, लेकिन चेहरे पे वो चीज़ कभी नहीं आई। वो जब आपको मिलेंगे वो मुस्कुराते हुए मिलेंगे, वो आपकी एनर्जी को डबल कर देंगे। जब आप अपना स्ट्रगल, सफ़र, परेशानियाँ याद करते हो, कैसे मैनेज करते हो वो जो मुस्कुराने वाला जो एलिमेंट है? एक तो अगेन बचपन जिस तरह से बीता और जो आसपास की दुनिया देखी, तो मैं पहली भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं था कि बहुत दुख भरी, वो दुख भरा जीवन और कष्टों की नदियों में तैर के आया मैं। मेरे साथ वही कुछ हुआ जो लाखों करोड़ों लोगों के साथ होता है। मैंने कोई एक अनूठा जीवन नहीं जिया, ऐसे ये रियलिटी है। ऐसा नहीं हुआ कि मैं खाने के लाले पड़ गए या इलाज नहीं हो रहा बीमार होने पे। वो माता पिता उस चीज़ का ध्यान रखते थे कि खाना जो है वो अच्छे चावल घर में। हमारे पहाड़गंज में एक परचून की दुकान थी, खंडेलवाल स्टोर्स, वहाँ से खाना सारी दाल चावल बढ़िया क्वालिटी के घर में आते थे नियमित। तो बाकी जो कष्ट है वो उन चीज़ों ने मुझे शायद पक्का किया। और एक चीज़ आप दोस्तों से सीखते हैं कई बार डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, और कई बार देख कर सीखते हैं ना। जैसे मैंने वो मुंबई से लौट के आने वाली बात बताई, तो उसमें मैंने अपने जीवन में, मुझे लगता है कि मैंने ट्रेनिंग जो मुझे मिली ऑब्जर्व करके मिली, लोगों के जीवन को देख कर, कहानियाँ सुनकर, लिटरेचर कि मुझे कई चीज़ों ने, मंटो की कहानियों ने प्रभावित किया है, प्रेमचंद की कहानियों ने प्रभावित किया है, नागर जी की कहानियों ने प्रभावित किया है, सिनेमा ने प्रभावित किया है, राज कपूर के सिनेमा ने प्रभावित किया है, गोविंद नैनानी, श्याम बेनेगल जी। आप वो देखते हैं और वो कुछ कलाकार, कुछ पात्र, कुछ घटनाएं आपको लगता है यार ऐसा मैं नहीं करूँगा या ऐसा मैं करूँगा। तो मैं जो, मुझे लगता है कि जो टूटने की बात है, मुझे बेबसी तो होती है यार, बेबसी तो आज भी होती है, कई बार होती है। आपको आप कॉर्नर्ड हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब जीवन असफल हो गया। असफलता कोई एक ऐसा नहीं चीज़ नहीं है जिसको आप, माइलस्टोन नहीं है जिसको आप छोड़ देते हैं। असफलता का जो माइलस्टोन है वो आपके साथ चलता रहता चलता है। आप किसी भी मोड़ पे आपको असफलता दिख जाएगी। अब वो उसमें जो मुझे मेरी समझ कहती है, मुझे मेरी जो जीवन में मैंने सीखा ये कि हाँ, उसमें एक कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं कि कुछ साल पहले तक जैसे मैं बड़ा हताश होता था या बहुत ज़्यादा मुझे कमर का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है ना, तो मैं उसमें बड़ी पीड़ा में कई बार रहता हूँ और अभी भी होती है, कई बार सुबह उठ नहीं पाता हूँ कई दफ़ा। तो मैं उसके बारे में बड़ी चर्चा करता था, बातें होती थी 15 साल पहले, 10 साल पहले। तो आशीष विद्यार्थी का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उन्होंने मुझे उस, वो जो अपने दर्द के को लगातार शेयर करने से रोका। अच्छा, कि उसने बड़ा कमाल की बात बताई, उसने बोला कि गज्जू दर्द तो है तेरा, लेकिन जब तू शेयर करता है उसके बारे में लगातार बताता तो तेरा दर्द मल्टीफोल्ड हो जाता है। और उस दर्द को एक चीज याद रख, बड़ी कमाल की बात है ये, पता है आपका बहुत अच्छा दोस्त ही ये बात आपको बता पाएगा कि उसने बोला कि अगर तू लगातार ये चीजें बात करेगा तो फिर मैं, मुझे लगेगा कि यार गज्जू आएगा और अभी इस दर्द की बात करेगा, ये काम नहीं हुआ उसकी बात करेगा, और मेरे लिए वो मोनोटोनस हो जाएगा। महीने, दो महीने में, छः महीने में एक बार ठीक है, लेकिन हफ्ते में 4 मुलाकातों में अगर मैं सिर्फ अपने फिजिकल या व्यावसायिक तकलीफों के बारे में बात करता रहूँगा तो मैं शेयर क्या कर रहा हूँ? और उसने बोला कि जिसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, सबसे बड़ा जिसका इलाज मेरे पास नहीं है, मैं उसमें ये नहीं बोल सकता हूँ कि गजो तो ये कर ले, सुबह 5 बजे उठ के सूर्य नमस्कार कर और ये हो जाएगा। मेरे पास वो जड़ी बूटी नहीं है, वो जादू की पुड़िया नहीं है मेरे पास। मुझे बुरा लगा, मैंने कहा यार मैं तो उसको बताता हूँ और ये मुझे वो कर रहा है, लेकिन 10 दिन बाद मैंने रियलाइज किया कि यार ये सही बोल रहा है। और फिर मैंने वो अपने पर काम करना शुरू किया और लगातार अपनी परेशानियों को अपने तक रखना सीखा, क्योंकि जिसके पास सॉल्यूशन है उसको मैं अपनी पत्नी से शेयर करता हूँ, लेकिन उनसे भी मैं सारी परेशानियां नहीं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि उनके पास भी इलाज नहीं है। कि मान लीजिए मैंने कोई एक स्क्रिप्ट पढ़ी और उसके अंदर मुझे बहुत
मज़ेदार लगी और उसके अंदर मैं एक मेहनताना चाह रहा हूँ, सामने वाला बोल रहा दूसरा किस्म का मेहनताना वो देंगे मुझे, तो इसका ये मेरे और प्रोडक्शन के बीच में है, उसके बीच में कोई और सलाह नहीं दे सकता उसके अंदर। कई बार मैं ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि यार ये कहानी बड़ी अच्छी है, निर्देशक बहुत अच्छे हैं और ये सहकलाकार बड़े कमाल के हैं, मुझे कम पैसे में कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। अब मैं उस उधेड़े बुन में पड़ जाऊं कि यार ये इसको ये मेरा दोस्त इसके ऊपर कुछ बता दे, तो ये गोल गोल जलेबी बनाने जैसा हो जाए। ये मुझे ही निर्णय करना है कि मैं वो करूंगा या नहीं करूंगा। ये मुझे उसका सोल्यूशन मेरे पास ही है। तो ये मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये वजह रही कि जो मैंने अपने उस तकलीफ़ों को रोमांटिसाइज करना बंद कर दिया या कम कर दिया। कि हर आदमी रोमांटिसाइज करता है ना अपनी तकलीफ़ों को। अगर आप देखिए, आप इसका एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, आप किसी भी मित्र को मिलें, उसको बोलें तबीयत खराब है क्या, 90% लोग बोलेंगे हाँ थोड़ा सा लग रहा तो है, सिंपैथी अच्छी लगती है, बुखार है क्या, हाँ थोड़ा लग रहा है। 10% लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं मुझे, मैं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ मैं। आप दूसरा बोलिए कि अरे यार वेट कम किया क्या, अब सामने वाला बोलता है कि हाँ तो ये एक 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 तरह का चक्रव्यूह है जिसके अंदर आप फंस जाते हैं कि आप मेरे साथ तो ये हो गया, मैं वहाँ गया था और इस प्रोजेक्ट इस डायरेक्टर ने मुझे ऐसा बोल दिया, या ये वाला प्रोजेक्ट ऐसा प्रॉब्लम हो गई, या मैं जब एड फिल्म डायरेक्ट करता हूँ तो उसके अंदर मैं अपने एड फिल्म जो मेरी प्रोडक्शन हाउस है उसमें मैं अपने पार्टनर से बात कर दूँ कि यार उसने ऐसा क्यों बोल दिया। ये आप बेसिकली ढूंढ रहे होते हैं कि आपको ढांढस दे, आपके ढांढस के नाव में कोई चढ़ा दे आपको, वो बंद कर दीजिए क्योंकि आप सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ गलत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ रही जीवन में पिछले 1-1.5 दशक से आशीष के साथ बातचीत जो हुई, और उसी दौरान मैंने एक आशीष के ही सजेशन पे एक फोरम होता है, एक जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है उस तरह का एक फोरम है, लैंडमार्क फोरम, ओके, उससे भी मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। उस वो 3 दिन का एक कोर्स होता है, वो मैंने किया था, गोपाल राव उसके हमारे मित्र हैं, मित्र बन गए वो उसके बाद। तो वो एक जीवन को देखने का, बेसिकली जीवन भी तो एक साइंस है ना, आप जो चलते हैं तो उसके अंदर आपके टूल्स क्या होंगे, आप जो बंद रास्ते हैं या गलियां हैं उसके अंदर कैसे आपको नेविगेट करना है, कैसे जाना है। तो ये इन 2-3 चीज़ों का फ़र्क पड़ा। और आप अपने, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आईने जो हैं अपने जीवन में, ऐसे मित्रों को साथ रखिए कि जो आपको बेहिचक क्रिटिसाइज कर सके, बोल सके कि तूने ये काम गलत किया, मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ। अगर आपके पास सारे मित्र सहमति वाले हैं तो फिर प्रॉब्लम है, बहुत बहुत मुश्किल है कि जो आपके कपड़ों को, आपके हेयर स्टाइल को, आपके चश्मे को, आपके जूते को, आपके व्यंजन को, आपके खाने को, आपकी घड़ी की तारीफ ही करते रहते हैं, तो फिर गड़बड़ है थोड़ा सा, वो आपके प्रशंसक हैं, आपके मित्र नहीं है। हर अच्छे कलाकार के साथ लाइफ में एक वक्त आता है जब उसका एक नाम बन जाता है, पहचान बन जाती है, लोग उसको पसंद करने लगते हैं, और तब उसके पुराने काम को लोग उठा के देखते हैं कि अरे ये तो ये था, अरे ये तो इस फिल्म में भी था। जैसे नवाजुद्दीन के साथ कि मुन्ना भाई में थप्पड़ पड़ा, अब लोग बात करते हैं, तब जब मुन्ना भाई रिलीज हुई देखी तब किसी ने बात नहीं करी। आपके साथ अब ऐसा होता है? हाँ होता है, लेकिन वो बड़ी जाहिर सी बात है ना कि लोग कुछ लोग तलाशते हैं, और जो नई पीढ़ी के लोग हैं, नौजवान दर्शक हैं, वो जब देखते हैं कि अरे अरे बैंडेड क्वीन में ये था, या ब्लैक फ्राइडे में के सीन के ऊपर कमेंट करते हैं, वो जो दरवाजे के बाहर खड़ा हो के बात कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं डॉन से कैसे मिलूँगा, या यस ऐसे बीच बीच में मीम्स दिख जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक तरह का अप्रिसिएशन है, आपकी प्रशंसा की जा रही है, और मैं उसको उसी तरह से लेता हूँ। मैं आपकी शुरुआती फिल्मोग्राफी या पुरानी फिल्मों की बात करें तो उसमें एक नाम दिल से भी है, दिल से शाहरुख खान जी, है ना जी। तो शाहरुख खान तब जब आपने काम किया था
और अब जो द सुपरस्टार वाला हो रहा है, कुछ लगता है डिफरेंस आया है? करिश्मा था, ऐसे ऐसे जो दिग्गज लोग होते हैं वो करिश्माई लोग होते हैं, ये इनको नेमत होती है ईश्वर की और इसी वजह से वो इस मुकाम पर पहुंचते हैं। जैसे शाहरुख खान हैं, अजय देवगन साहब हैं जिनके साथ मैंने भी काम किया, माधुरी दीक्षित जी, वो करिश्मे के साथ हैं, करिश्मा है उनके, उन वो जब कमरे में दाखिल होते हैं, किसी एरिया में दाखिल होते हैं, एयरपोर्ट पे दिखते हैं, तो वो दिखता है कि ये खाली ऊपरी पहनावे से या उन चीज़ों से नहीं होता है, ये आपका काम होता है, जो आपने इतना शानदार काम किया है, जो करिश्मा क्रिएट कर देता है। तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान ने जब टेलीविजन से ही करना शुरू किया था, लोगों ने बातें शुरू कर दी थी, जो मैं लहरें के एपिसोड्स देखता हूँ कई बार, तो उसमें दिखता है कि लोग बात करते थे कि यार ये कौन है, ये दूसरा केबल में जो आया, ये फौजी में जो आया, वो धड़ाधड़ लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे और काम दे रहे थे। तो दिल से मैं उनके साथ कुछ अरसा था मैं, और करिश्माई व्यक्तित्व हैं वो, मतलब जैसे एक बार उसमें हम लोग एक सीन था जिसके अंदर एम्बुलेंस का सीन था, जिसमें शाहरुख खान को हम, उनके कैरेक्टर जो था उसको हम लोग एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर, और किसी तरह से किसी वजह से, क्योंकि शूटिंग हो रही थी और आसपास गाड़ियां दौड़ रही थी, तो लोगों को मालूम चल गया और लोग मतलब सैकड़ों की तादाद में गाड़ी एम्बुलेंस का पीछा कर रहे हैं, मतलब भयानक हो गया था। फिर एक जगह, और ये स्टार करिश्मा है कि वो एक जगह पर एम्बुलेंस रुकवाई शाहरुख ने, और वो एम्बुलेंस के पीछे वाला दरवाजे से वो खड़े हुए, और वो जो लोग थे उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीन शूट कर रहा हूँ, अगर कहीं कोई हादसा होगा तो आपका नुकसान होगा, हमारी शूटिंग रुकेगी, और क्या आप ऐसा चाहते हैं? और वो था ना पाइड पाइपर, एक जादूगर, वो बोला नहीं जी, अरे नहीं, आप करो आप करो। और वो 100 मतलब कुछ 50-100 गाड़ियाँ थी, बाइक्स थी, वो सब छितर गई। मतलब मैं कही क्या 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 पर्सनैलिटी है। और हम लोग उसमें थे, मणि सर थे, संतोष सिवन जी कैमरामैन, और हम लोग बैठे हुए थे, और ये मतलब याद रह गया मुझे। और एक सीन था जिसके अंदर मुझे हम कहीं पे उनको कैप्चर कर लेते हैं और धक्का देना है बहुत ज़ोर से, और धक्का देके मैं, वो रिहर्सल हुआ और धक्का देके मैंने उनको दीवार के साथ चिपकाया, रिहर्सल हो गई, मणि सर आए बोले कि अजरज जस्ट टेक केयर, यू डोंट हैव टू पुश हिम सो हार्ड। अच्छा, तो ऐसा करके उन्होंने बोला, उनको लगा कि बड़ा स्टार है और इतनी ज़ोर से नहीं करना चाहिए। वो जैसे मणि सर गए तो सर बोलते हेलो हेलो अजरज यू डू द सेम थिंग। इतना और एक तो मणि सर ने मना किया, एक लेकिन आप इतने ऑ में होते हैं और इतना हसीन आदमी है वो, इतने हसीन हैं वो, तो हाँ सर। तो सीन वैसे ही किया गया वो, तो जब बोला हाँ, अभी पर्सनली तो उसके बाद तो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया हूँ कभी फंक्शन में, या एक आध बार ऐसा हुआ तो वो पर उस वो काबिलियत है कि अगर वो हॉल में, अगर या जिस जगह पर, जिस कमरे में अगर 1000 लोग भी हैं, तो हज़ारों लोगों को, 1000 लोगों को यही लगेगा कि शाहरुख खान उनसे मुखातिब हैं और उनसे बात कर रहे हैं, भले ही उनसे आंखों में ना देखें, लेकिन अगर आंख में देख लिया तो फिर तो कयामत है। और वो पेट्रनाइज नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि वो आप पे एहसान कर रहे हैं आपसे मिल के या आपसे हाथ मिला के, वो लगता है कि वो आप अपना एक अंश आपको दे रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी का एक टुकड़ा आपको दे जाते हैं, और जिस तरह से वो बात करते हैं बहुत कमाल है। आपने अच्छा भी अजय देवगन का भी जिक्र किया है ना, करिश्माई इंसान है। अभी जो मैदान चाहे रही हो चाहे इससे पहले भूला रही हो, फिल्मों में उनके ऑपोजिट क्यों दिखते हैं, क्या कनेक्शन है? मैदान तो ये कि मैं बड़ा लकी हूँ कि उसमें इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि कदावर स्टार कलाकार, स्टार एक्टर हैं वो, खाली स्टार नहीं है, खाली ऐसे नहीं कि वो स्टार हैं, मतलब एक्शन स्टार हैं, वो दोनों तरह के सिनेमा में उनकी भी बड़े फौजी आदमी हैं बड़े, वो कि वो गोलमाल भी करते हैं, सिंघम भी करते हैं, है ना, कि जो
एकदम आम दर्शक के लिए है, मज़े के लिए है, और वहीं पर वो एक रेनकोट करते हैं, इस तरह की फिल्म को दृश्यम करते हैं, क्योंकि जहाँ पर उनका एक अलग, तो वो दोनों तरह के सिनेमा में उनकी पकड़ है, और उसके वो बहुत बड़े लड़ैया हैं एकदम से, तो उनके साथ एक तरह से कह सकते हैं कि एक मेन नेगेटिव फोर्स के तौर पे आपको होना और उनके साथ फ्रेम शेयर करना, ये बड़े ज़ाती तौर पे मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मुझे बहुत मतलब ये दिली खुशी है, और ये शूटिंग करते हुए, क्योंकि ये 4-5 साल में बनी तो भोला उसी दौरान बनी थी, तो एक दिन अजय देवगन साहब ने फ़ोन किया, बोले कि गेस्ट अपेयरेंस है, आप करेंगे, तो वो जो इतनी करिश्माई पर्सनैलिटी के साथ आपको उनके डायरेक्शन में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, मुझे लगा कि ये मैं एक तरह से ऑडिशन दे दूंगा अजय देवगन साहब को, ताकि वो मेरे लिए बड़ा पार्ट, मुझे अगली फिल्म में वो बड़ा पार्ट दें। जी, माधुरी दीक्षित के साथ स्क्रीन शेयर करने का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि 90s का आपने जब जिक्र किया, वो स्टार, उनको देख के वो एक अलग ही वाइब आ जाता है ना, बोलते हैं माहौल खींच लेने मतलब वाला एलिमेंट, वो जो कहते हैं ना कि वो किसी के चेहरे को देखकर आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो दिल्ली में ओडियन और प्लाजा सिनेमा और रीगल रिवोली पे उनकी पिक्चरें देखी हैं, और कभी सोचा नहीं था कि कभी एक ऐसा मुकाम आएगा जहाँ पर आप उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा और उनके हस्बैंड बनने का मौका मिलेगा। मतलब ऐसा पार्ट भी है ना, कि ऐसा कि एवं चलता फिरता पार्ट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मजामा में आनंद तिवारी ने जो मुझे दिया। तो मतलब ये देखिए, जो स्क्रिप्ट मुझे आनंद तिवारी ने फ़ोन पर नटशेल में बताया कि ये वो कोविड के बीच में ये हम लोगों ने प्लान किया था, उस दौरान पहला कोविड का चला गया था और दूसरा आया नहीं था या कुछ हो रहा था कि वो लेकिन वो तनाव था। उसमें आनंद ने बोला कि एक पिक्चर है, हमको शूट करना है और ये कहानी है, ऐसा थोड़ा सा सेटअप है। मैंने कहा अच्छा, और डरे हुए थे हम लोग, कोविड मास्क और वो सब के बीच में शूटिंग हो रही है तो कैसे होगा। और फिर आनंद तिवारी ने बोला कि हाँ, तो एंड गज्जू सर, वन मोस्ट फॉरगॉट टू टेल यू, दिस पल्लवी इज बीइंग प्लेड बाय माधुरी दीक्षित। मैंने कहा हैं, ओके डन। फिर सारे डर चले गए, सारा कोविड का खौफ चला गया। मैंने कहा ये तो मतलब सवाल ही नहीं होता। और फिर रीडिंग में मिली माधुरी जी, और मतलब वो ऐसा नहीं कि बहुत पहले 2-3 दिन में ही दोस्ती हो गई, रीडिंग में मिली, फिर उसके बाद पहला 1-2 दिन शूट हुआ, और फिर वो ये बड़े इंसान की, बड़े कलाकार की खासियत होती है कि हमारा पूरा जो बाकी कलाकारों का जो ग्रुप था, एक कोने में बैठा होता, वो खुद चल के आ गई। और हम लोग कुछ खेल खेल रहे थे टाइम बिताने के लिए, अंताक्षरी या इस तरह का, तो बोले कि मैं भी खेलूँगी, क्योंकि जो जब इस तरह के रिश्ते बनते हैं तो उसमें जो ज़्यादा प्रभावशाली होता है और बड़ा होता है वो तय करता है कि ये संबंध कैसे रहेंगे आगे आने वाले 1 महीना हम लोग कैसे गुजारेंगे। तो माधुरी जी ने बड़े स्नेह के साथ सबसे मिली, और फिर उसके बाद तो फिर हम लोगों ने बड़े मज़े किए। इनफैक्ट हमारा गुजरात का जो स्केड्यूल था बड़ोदरा में वो ख़त्म हुआ, तो आनंद तिवारी और हम सब कलाकार जो थे, तो ऐसा हुआ कि शाम को एक घंटे के लिए मिलते हैं, बैठक करते हैं, अड्डेबाजी करेंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से शूटिंग हुई थी और मास्क और ये सब के बीच में। तो माधुरी जी को बोला गया, उनकी जो टीम ने, उन्होंने बोला कि वो शील कम फॉर 5 मिनट्स, वो आके और एक बेसिक मेल के टीम मेंबर से मिलके वो चले जाएंगे, क्योंकि उनकी शायद अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग अपना नाश्ता वाश्ता मंगाया हुआ था, और वो आई, और वहाँ पे उस वक्त सृष्टि श्रीवास्तव, जो मेरी बेटी का रोल कर रही, वो उनके एक डांस नंबर पे वो डांस कर रही थी गाने पे, और वो बैठे बैठे वो थिरकना शुरू किया है माधुरी जी ने, और हम लोग 15-20 लोग थे टीम के लोग ही, और वो सृष्टि ने उनका हाथ खींचा, और वो इतने सहज तरीके से उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया, और ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा वो हमारे साथ रहे। आपके बारे में हमारा जो इंडस्ट्री है, सिनेमाई दुनिया, उसमें एक चीज़ बहुत कही जाती है कि आप वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइज करने वाले एक्टर्स में से हो। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो
थोड़ा बहुत लिखा गया या जो कहा गया उसमें आपने कुछ ऐसे इम्प्रोवाइज कर दिया ऑन द स्पॉट कि वो मज़ा आ गया वाला एलिमेंट हो गया, कोई ऐसा वाक्य आपको याद है? बेस्टेस्ट नहीं कहना चाहिए, बड़े बड़े जो कहा गया है मुझे आसपास के लोगों से कहा वो उनका बहुत बहुत मेहरबानी, लेकिन वो थिएटर का योगदान है उसके अंदर रंगमंच के दौरान, क्योंकि उसमें एन के शर्मा हमारे डायरेक्टर इतना स्पेस देते थे और सह कलाकार उसको झेलते थे उस इम्प्रोवाइजेशन को, और बिना किसी उसके, क्योंकि बड़ा दुधारी तलवार होती है ना कि आप मुझे लगता है कि जो इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते हैं या इम्प्रोवाइज करने वाला ही तुर्रम खां होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कहाँ मैं चार्ली चैपलिन का एक क्लिप देख रहा था अभी कल ही देख रहा था मैं, 60s का कुछ क्लिप है जहाँ पे कोई एक इंटरव्यू चल रहा है वहाँ पे, उस जमाने के लंदन के या स्विट्जरलैंड के जो अविनाश होंगे वो उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो क्या आप इतने फनी और ऐसे बोलते, तो उन्होंने बोला मैं फनी नहीं हूँ, आई एम नॉट फनी एट ऑल, पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन अबाउट मी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और उनका बेसिकली जो लब्बो लोहा मुझे समझ में आया कि यार ये बड़े मेहनत का काम है, ये होता है, मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं चलते फिरते मजाक कर देता हूँ। जो लोग इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते हैं उनका भी पूरा सम्मान करना चाहिए और वो सिचुएशन देखनी चाहिए कि जैसे अब ये मैदान है, मैदान के सेटअप पे आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते हैं उस, क्योंकि इतने नपे तुले और सधे हुए सिचुएशंस हैं कि उसके अंदर आपको उस स्क्रिप्ट को बाइबल की तरह इस्तेमाल करना होगा, उसको आप ऑटो पायलट पे नहीं छोड़ सकते हैं कि मतलब हो गया आप कर लो जो इसके अंदर बोल दो डायलॉग, नहीं नहीं, वो एक एक मोमेंट एक एक एक्सप्रेशन वो नपा तुला है, वो जो अमित रविन्द्रनाथ शर्मा ने सोचा है, उनकी टीम ने उनकी राइटर्स की टीम ने बैठ के उसको उकेरा है, बांधा हुआ है। और आपके फिर अगर आप कर रहे हो इम्प्रोवाइजेशन तो फिर वो करो रितेश देशमुख के साथ करो कि जो फन्ने कहाँ है, या अक्षय कुमार के साथ करो आप, क्योंकि वो मैंने सुना है कि अक्षय कुमार साहब बहुत दरिया दिल हैं और निडर हैं इस मामले में कि वो, और जो अपने फिल्में भी देखी है हम लोगों ने प्रियदर्शन साहब वाली सारी, तो उसमें, या देवगन साहब का जो गोलमाल वाला यूनिवर्स है उसमें आप जाएं तो फिर वहाँ पे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि जहाँ पर आपका मुझे लगता है कि अगर नटशेल में बोलें तो आप, अगर आपको ईश्वर ने थोड़ी काबिलियत दी है कि आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं तो उसको आप हथियार ना बनाएं सामने वाले अपने सह कलाकार को नीचा दिखाने के लिए। वन अपमैनशिप वाली नहीं बात होनी चाहिए, आपके बराबरी की बात होनी चाहिए कि वो आप जब कर रहे हैं ऐसा कुछ इनपुट दे रहे हैं तो सह कलाकार के लिए जीवन असहज नहीं होना चाहिए। तो वो मुझे, मैं उस बिलीव करता हूँ और मुझे लगता है कि सारे तमाम जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो अब इम्प्रोवाइजेशन में बड़े माहिर हैं, और मैं सामना होता रहता है मेरा और छोटा मोटा इम्प्रोवाइज कर लेता हूँ मैं, और जिन्होंने तारीफ़ की उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई किस्सा या वाक़या शेयर करेंगे? अभी एकदम से जहन में नहीं आ रहा है, थिएटर के दौरान का बताऊं मैं आपको? मूछ वाला बताइए। वो एक बड़ा मज़ेदार सा है कि नेटवा एक हमारा नाटक होता था और उसमें मैं और मेरे जो सह कलाकार थे विजय, वो जमींदार थे गांव के, और बिहार में लौंडा नाच के ऊपर ये नाटक था, मनोज वाजपेयी उसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे, और एक सीन है जहाँ पर मैं और विजय हम लोग गांव के बाहर हैं और उन्होंने मूछ लगा रखी थी, नकली मूछ उन्होंने चिपकाई हुई थी। मुझे मूछों से शुरू से ही थोड़ा सा कोफ्त है, एक तो चमड़ी जो है तो उसमें दाने वाने हो जाते हैं, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। तो खैर वो और उनको बड़ा शौक़ था मूछें और वो दाढ़ियाँ और सब एक्सपेरिमेंट करने का, तो उन्होंने लगाई, और ये श्रीराम सेंटर के मेन ऑडिटोरियम में हम लोग शो था हमारा, बहुत खचाखच ऑडियंस भरी हुई थी, इनफैक्ट रघुवीर यादव साहब बैठे हुए थे फ्रंट रो में, और सीन शुरू हुआ, हम लोग आए, लाइट फेड इन हुआ, हम दिखे और मैंने देखा कि वो बोल रहे हैं और उनकी जो मूछ है ना निकल, और वो बोलते बोलते ना, क्योंकि फनी सीन था तो जोर जोर से बोला जा रहा है, अरे गए थे हम, बोल दिए थे उसको ये था, तो उन्हें मूछें ना उड़ रही हैं ऐसे। तो अब वो ये स्टेज है और यहाँ पे मूछें उड़ रही है वाली चल, तो आगे से आगे के रूम में ना आवाज़ आना शुरू हो गई ऐसे, क्योंकि अब ये कलाकार फंस गया, ये थोड़ा विकट सिचुएशन हो गई है
तो मुझे कहा उस समय, और दिमाग उस वक्त ज़्यादा तेज़ दौड़ता था, नए नए आप वो होते हैं नौजवान उसमें, तो मैंने फट से आव दिखाना था, उनकी मूँछ खींच ली और मैंने कि भाई कि विद्या बापू इतना उम्र हो गया आपका, मूँछ नहीं आता है तो छोड़ दीजिए ना, आप इम्प्रेस करने के चक्कर में मूँछ काहे लगा लेते हैं नकली वाला। और जो बेसाख्ता मतलब तालियां और ठहाके टूटे, और अगेन वो मैं ऐसा इसलिए कर पाया कि जो विजय मेरे इस पक्ष से वाकिफ हैं और उन्होंने उसको बड़े पॉजिटिव वे में लिया, और उन्होंने भी इम्प्रोवाइज किया, उन्होंने बोला कि अरे तुम्हारा तो आता ही नहीं है, तुम्हारा तो नकली भी नहीं लगता है तुम्हारा, तो ये सब करके, लेकिन वो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो, लेकिन अगेन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना, जैसे अब हेरा फेरी में देखते हैं कि परेश भाई, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, इनकी जब जुगलबंदी होती है तो लगता है कि ये तीनों के तीनों दिग्गज हैं, तीनों के तीनों खिलाड़ी लोग हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि वो अक्षय कुमार सुनील शेट्टी को नीचा दिखाना चाहते हैं, हावी नहीं होने की कोशिश, वो दिखता है कि यार ये लोग मतलब मजे कर रहे हैं और तीनों पारंगत हैं, तीनों की जो तलवार जो है वो म्यान में, तीनों के म्यानों में तलवारें हैं। आपके करियर की अगर बात करें तो बधाई हो एक ऐसी फिल्म है जो आपने भी बोला जिसने आपके करियर को एक नई पहचान दी या आपको एक पहचान दी, अगर मैं आपसे पूछूं बतौर एक्टर एक ऐसी फिल्म में एक ऐसा किरदार जो आप चाहते हो कि अविनाश मेरे को ना इस किरदार या इस फिल्म के लिए याद रखा जाए, वो कौन सा होगा? बधाई हो को तो मुझे लगता है कि मैं कंपैरिजन से अलग ही रख देता हूँ, उससे कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसने इतने ज़्यादा टिक मार्क दिए हैं और मेरे जीवन में जो विशेष चीज़ें हुई हैं कि उसकी वजह से जो नीना जी के साथ मैं काम कर पाया, उसके बाद एक दो बार और काम हुआ, अमित के साथ जो मेरे संबंध बने और उसका जो बाज़ार में, मार्केट में, एयरपोर्ट पे जो मिलते हैं लोग, तो कई बार वो मेरा नाम नहीं भी जानते हैं तो अरे अब तो वही हो ना, वो नीना जी के साथ जो आए थे, है ना, बड़ी अच्छी पिक्चर थी। तो वो जो कल हम, मैं और मेरी पत्नी एक फंक्शन के बाद खाना खा रहे थे कहीं पर होटल में, तो वहाँ पे एक सज्जन मिले, अरे क्या बधाई हो, अरे वाह। तो वो जो ये तो एक तरह का तमगा है, ये मेरे जीवन का पद्मश्री है, ये इसके साथ तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि बाकी कामों में मैं जिस पे बड़ा फख्र है मुझे, वो है अभिषेक चौबे के साथ मैंने एक काम किया था कोविड के दौरान, 2021 में हुआ था, सत्यजीत रे की कहानियों पे एक एंथोलॉजी बनी थी नेटफ्लिक्स के लिए, हंगामा है क्यों बरपा, ये मनोज वाजपेयी और मैं थे, और एक ट्रेन जर्नी की कहानी थी, जेंगा पहलवान। तो वो मुझे लगता है कि, और 8-10 दिन की शूटिंग थी वो, लेकिन वो बड़ा डिफिकल्ट पार्ट था उसके अंदर, मतलब बहुत बाहरी चीज़ें नहीं थी बहुत ज़्यादा, और आपके सामने मनोज वाजपेयी जैसा पहाड़ बैठा हुआ है, उसके साथ आप एक्टिंग कर रहे हो, और जिसको आप थिएटर के दिनों से जानते हो, साथ में काम किया हुआ है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा माइलस्टोन अपने जीवन में खड़े कर दिए हैं तो उनकी लाइन मेरी लाइन से बहुत बड़ी है, मतलब शायद 89 में हम लोग आसपास, वो मेरा मानना है कि उस समय भी वो बहुत ही दिग्गज थे जिस तरह का वो काम करते थे, लेकिन अभी उनकी लाइन बहुत बड़ी है, जिस तरह का काम वो साल दर साल करते आ रहे हैं, और डिजिविशिका उनकी जो है, जो उनकी जो एक भूख है वो कमी नहीं हो रही है अच्छे काम की, अच्छे रोल को लेकर, जो राम देखिए, मतलब फैमिली में एक बंदा काफी है, अभी एक और आ रही है भैया जी, उसका ट्रेलर देखो तो आपके रोंगटे खड़े होते कि यार ये आदमी मतलब इंस्पिरेशन है। तो उनके साथ जब आप सेट पर होते हैं तो एक आप उस चीज से आप फाइट कर रहे होते हैं कि इनके नजदीक नहीं तो थोड़ा नजदीक का तो काम आप कर लो ना, तो ये वो एक लगातार, तो वो मुझे लगता है, और जिस तरह से उसको प्रशंसा भी मिली और आज भी लोग उसको देखते हैं, तो वो एक बहुत ही माइलस्टोन है मुझे लगता है। आने वाली और कौन कौन सी फिल्में हैं जहाँ पे हम आपको देख पाएंगे? और इसमें एक सवाल और है मेरा, आपने विज्ञापनों को डायरेक्ट किया है ना, एडवर्टीजमेंट,
कोई फिल्म डायरेक्ट करने का मूड है सोचते हो? हाँ, ये वो एक दो कहानियाँ हैं जिस पर काम चल रहा है पिछले कुछ सालों से, तो वो अभी लगातार जो सिनेमा बनाने के जो समीकरण है वो बदलते जा रहे हैं। हाँ। और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सिनेमा बना देना ही एक खास चीज़ नहीं है, उसके साथ साथ आप वो सिनेमा दर्शकों तक पहुँचाएँ, उसका प्रयास भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज से 5 साल पहले होता था कि आपने एक छोटे बजट की फिल्म बना दी, किसी तरह से कुछ कर कुरा के वो रिलीज हो जाएगी वो, तो अभी अभी समीकरण बहुत बदले हैं, तो उनसे उनके बीच से नेविगेट करते हुए चलना है, तो हो सकता है कि 1-2 साल में फिल्म बना पाऊँ मैं। कहानी है, अच्छी कहानियाँ हैं, तो और बहुत सारे कलाकार भी हैं जिनसे परिचय है, कि हो सकता है कि मनोज वाजपेयी से मैं निवेदन करूँ तो शायद वो मान जाएँ, या माधुरी जी से बोलूँ, या अब अजय देवगन साहब भी हैं। आप तो जितने नाम ले रहे हैं और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि गजराज जी की डायरेक्टेड फिल्म में ये लोग, मेरे को सोच के ही मजा आ जा रहा है। हाँ, तो लेकिन अगेन वो मेरा, मेरे पास मटेरियल इतना अच्छा होना चाहिए कि इन लोगों को उत्साहित हाँ, करें बोले, क्योंकि मैं, मेरा तो एक तरह से इतने साल होने के बाद भी अगर मैं निर्देशन करूंगा फिल्म का तो मेरा डेब्यू होगा, तो एक नए नवेले इंसान की सबसे बड़ी जो उसका हथियार है उसकी कहानी है, वो कहानी कैसी लिखी गई है, कैसी वो शेप लेती है, वो अगर करेक्ट होगी तो शायद ये तमाम लोग राजी होंगे। बतौर एक्टर क्या कुछ आ रहा है आगे? अभी बतौर एक्टर तो मुझे लगता है कि आसपास इतना अच्छा काम हो रहा है OTT की वजह से, और तो आपको लगता है कि एक चीज़ तो मुझे लगती है कि अमित के साथ मुझे हमेशा काम होता रहे, क्योंकि मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगता है, और जिस तरह से वो उनके सेट पे मैं नर्वस होता हूँ, मैं मतलब एक कॉन्फिडेंस भी होता है और एक नर्वसनेस भी होती है, क्योंकि अगेन उसको सेटिस्फाई करना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग डायरेक्टर हैं वो। और उसके अलावा मतलब बड़ी लंबी लिस्ट है यार, इतने सारे लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं कि आपको लगता है यार ये इसकी पिक्चर में क्यों, और आप देखते हो तो आपको लगता है कि अरे यार इसमें क्यों नहीं काम मिला, या इनके साथ करें या उनके साथ करें। मलयालम फिल्मों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बंगला फिल्मों में बहुत अच्छा काम हो रहा है ना, तो वो दक्षिण की बाकी भाषाओं में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो मुझे अच्छे कामों की तलाश है, और मैं अपनी तौर से पूरी कोशिश करता रहता हूँ कि मैं नंबर, अगर किसी निर्देशक का मुझे लगता है कि पहली फिल्म में की है जैसे डार्लिंग्स जिन्होंने बनाई, उनको मैं बीच बीच में मैसेज करता रहता हूँ कि अगली फिल्म में मुझे ज़रूर मुझे सोचिएगा मुझे, या वासन बाला है, नीरज गेवान है ना, विनोद चोपड़ा साहब ने जिस तरह से अभी क्रिएट किया 12th fail, वो मतलब बड़ा चमत्कारिक है, वो लंबे लंबे शॉट्स हैं, 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के शॉट हैं। संजय लीला भंसाली, वो मतलब वो मुझे लगता है कि संजय लीला भंसाली जो सेल्यूलाइड के आज के कमर्शियल सिनेमा के राजा रवि वर्मा हैं, वो एकदम स्पॉटलेस, उनका हर काम इतना गजब होता है, तो वो उनके यूनिवर्स में काम मिले। मैं लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ, और ईश्वर बड़ा मेहरबान है, वो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं मेरे पास लगातार, तो वो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, जैसा मैंने शुरू में ही बोला था कि आप एक ऐसे एक्टर हैं जिनको देख के स्क्रीन पे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, तो हम तो अपने फ़ायदे के लिए भी चाहेंगे कि हमारी मुस्कान बनी रहे, आप स्क्रीन पे खूब हमें दिखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर इस ढेर सारी बातचीत के लिए, और बताओ के साथ जुड़ने के लिए। और बताओ और क्या चाहिए? बस सर, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, आपने ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें बताई जो ना सिर्फ मुझे, आई थिंक दर्शकों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें नई होंगी और बहुत इंस्पायरिंग होगी। नमस्कार, मेरा नाम है गजराज राव और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पर।